आज हम बात करेंगे व्यापम सब इंजीनियर की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे बच्चों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सिलेबस से रिलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक रिलेवेंट सिलेबस सर्च करिए जो कि व्यापम सब इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अननेसेसरी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि रिलेवेंट सिलेबस क्या है। अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग रिलेवेंट सिलेबस है, नॉन टेक्निकल का अलग रिलेवेंट सिलेबस है, जो हमारे पास PDF के फॉर्म में अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर भी डला हुआ है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि रिलेवेंट सिलेबस क्या है। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का रिलेवेंट सिलेबस आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का रिलेवेंट सिलेबस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो रिलेवेंट सिलेबस है उसको आप एक बार देख लीजिए कि कितने सब्जेक्ट व्यापम सब इंजीनियर में पूछे जाते हैं। मेजरमेंट पूछा जाता है, पावर सिस्टम पूछा जाता है, मशीन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको डिप्लोमा में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, एसी फंडामेंटल, ये एक चैप्टर है नेटवर्क का। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्काडा, ये एक सब्जेक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्ट भी होता है, इससे भी क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा, PLC और मटेरियल के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस से बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो यह एक रिलेवेंट सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। इसमें वेटेज भी डाला हुआ है कि किससे कितने नंबर का पूछा जाता है, तो उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इन सब्जेक्ट के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है वो जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी यही है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि रिलेवेंट सिलेबस क्या है। दूसरी स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हम जो भी पढ़ेंगे उसकी एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे हर एक टॉपिक की, जिसको हम जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। जब तक आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे क्विकली, ठीक है। आपको जितना जल्दी हो सके रिवीजन करना है जो भी आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का, ठीक है। रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, तो आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप क्या करेंगे, इसमें टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है ये दो तरीके से आपको लगाना है। एक लगाना है टॉपिक वाइज, पहली टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज लगानी है, दूसरी टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ लगानी है। टेस्ट सीरीज में भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं करना है, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज में उन्हीं को लगाना है, ठीक है। आपको गेट और ESC के क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस व्यापम नहीं पूछ रहा है तो उनको लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट सीरीज में आप जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको क्या करना है कि उसकी प्रिंट आउट लेना है आपको, ठीक है। उसका एक प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद उस पेपर में जो आपका गलती हुआ है उसको आप नोट करते जाइए, जिससे नेक्स्ट जो आप पेपर देने वाले हैं उसमें वो गलती रिपीट ना हो। मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है आपको। एंड नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है हमारी वो ये है कि रिवीजन, ठीक है। रिवीजन जो है ये बेस्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप अगर कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो टाइम है, ठीक है, कितने टाइम तक आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 घंटे की क्लास पढ़ रहे हैं, 10 घंटे के बाद आपके पास क्या 10 घंटे डेली बचते हैं रिवीजन करने के लिए, MCQs लगाने के लिए? तो ऐसा नहीं है। तो आपको 10 घंटे या 9 घंटे की क्लास की नीड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। उसके बाद आप मैक्सिमम 5 आवर्स, इससे ज़्यादा आप क्लास में स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ऐसे सिलेबस डिज़ाइन भी किया है कि 5 घंटे में आपका सिलेबस जो भी हो सकता है, क्योंकि आपको पढ़ा तो पूरा दिया जाए 10 घंटे 12 घंटे क्लास लेके, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और MCQs नहीं लगा पाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिवीजन के बाद आपको इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि इन तीनों चीज़ों को
आपको नोट करके रखना है। पहला जो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये पता करना है रिलेवेंट सिलेबस क्या है। रिलेवेंट सिलेबस आपने पढ़ लिया, रिलेवेंट सिलेबस के बाद आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज में कम नंबर्स आ रहे हैं तो आप फिर अगेन क्या करिए कि जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए उसको अगेन से क्या करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। और रिवीजन एंड रिवीजन ये करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। आपको GTS में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।